कोविड के कहर के बीच अब इस्लाम धर्म के पवित्र महीने में शुमार रमजान के चल रहे महीने के रोजा माह के अंतिम जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान अंतिम जुमा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बेहद सादगी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ अपने घरों पर ही मास्क और 2 गज की दूरी बनाकर नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने के साथ पर्व को घर में ही मनाया जाएगा। يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान। इसका मतलब ये होता है कि इस रमजान के महीने में ईद से पहले जो जुमा होता है उसको हम लोग अलविदा की नमाज़ कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि जुमा की नमाज़ फिर नहीं आएगी, जुमा तो फिर आएगी इंशाल्लाह क़यामत तक आएगी, लेकिन रमज़ान एक साल के बाद आता है। एक साल बाद फिर हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए कोई रहेगा पिछले साल जो भाई हमारे साथ थे आज इस साल नहीं है, अगले साल कौन भाई रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। चूँकि वैश्विक महामारी जो पूरी आलम में फैला हुआ है इसको लेकर के लोगों में बेचैनी है, मौत का डर है, खौफ है और लोग मर भी रहे हैं। तो इसको इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने अलविदा की नमाज़ अदा की, जगह को सैनिटाइज किया जी, जगह को सैनिटाइज किया घर पर ही, और मास्क लगा के दूरी बना करके हम लोगों ने नमाज अदा किया। और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, बिहार सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने नमाज पढ़ा। एक हदीस है, हमने उलमाए कराम से सुना है, मेरे अल्लाह के नबी ने कहा है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत रखो और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, इसका भी नाम दीन है। तो इसी को देखते हुए हमने आज जुमा की नमाज़ अदा की, अलविदा की नमाज़ अदा की। और हम सारे भाइयों से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वैश्विक महामारी का जो गाइडलाइंस है भारत सरकार का, बिहार सरकार का, उसको पालन करते हुए आगे के रोज़ा को भी हम पूरा करें और ईद की नमाज़ को भी पूरा करें। इसी तरह से घर में रह करके कोरोना का जो फॉलो करना है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज करते हुए ईद की नमाज़ को भी अदा करें। और इस महीने में होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जकात फितरा सदका हम लोग निकालें, जिससे जो भाई गरीब है जहाँ तक कपड़ा नहीं पहुँचा है, जहाँ तक खाना नहीं पहुँचा है, तो हम लोग उसके पहुँचाने की फिक्र करें।